नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम उड़द की दाल बनाएंगे, तो आइए देखें उड़द की दाल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उड़द की दाल 1 कप है, जो धोकर हमने आधा घंटे भिगो ली है। टमाटर 2-3, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो पीस कर तैयार कर लिए हैं। हल्दी आधा छोटी चम्मच, जीरा आधा छोटी चम्मच, हींग 1-2 पिंच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, अदरक काट लिया है 1 इंच का टुकड़ा, गरम मसाला साबुत गरम मसाला है ये, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 काली मिर्च और 2 लौंग, नमक स्वाद अनुसार या 1 छोटी चम्मच, घी 1-2 टेबल स्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2-3 टेबल स्पून। दाल बनाना शुरू करते हैं। दाल को हम कुकर में डाल देंगे। और पानी डाल देंगे। पानी हम 2 कप पानी डाल देंगे या फिर दाल से थोड़ा आधे इंच ऊपर तक। ये पानी हमने दाल में डाल दिया और अब ये आधी हल्दी अभी डाल देंगे और आधी बाद में मसाला जब तैयार करेंगे। आधा नमक अभी डाल देंगे और आधा बाद में मसाले के साथ में। कुकर बंद कर देंगे। गैस ऑन कर देंगे और दाल को 1 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में सीटी आ रही है और अब हम गैस बंद कर देते हैं। बस 1 सीटी तक हमें ये दाल पकानी है और जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होता है तब तक हम दाल के लिए मसाला भून के तैयार कर लेते हैं। कुकर को हटा देंगे और दाल के लिए मसाले के लिए हम पैन रख लेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। पैन गरम हो गई है। पैन में घी डाल देंगे। घी 1-2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। दाल घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। देसी घी में दाल का अलग ही स्वाद होता है। तो घी थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद हम जीरा डालेंगे। हींग जीरा डाल दिया। जीरा हल्का ब्राउन होने के बाद अदरक, कटा हुआ अदरक उड़द की दाल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसका अलग ही स्वाद आता है अदरक का। हल्दी पाउडर, ये जो साबुत गरम मसाला था उसको हमने दरदरा कूट लिया है। इलायची छील ली थी और बाकी सारी चीज़ें मिलाकर दरदरी कूट ली है। इनका भी उड़द की दाल में स्पेशल स्वाद आता है, बहुत अच्छा। धनिया पाउडर और अब ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च। मसाले को हम भूनेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से घी अलग ना होने लगे। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। मसाला भूनने में करीब 4-5 मिनट लगेंगे। ये मसाला हमारा भून रहा है, एक दो मिनट और बस भूनने वाला है। तो अभी हम कुकर भी खोल करके देख लेते हैं कि हमारी दाल पक गई होगी। दाल भी कुक हो गई है तो दाल को हम मसाले में मिला देंगे।
और दाल को हम जितना पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। उड़द की दाल के दाने अलग अलग हों तभी वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये बचा हुआ नमक भी डाल के मिला देंगे। और दाल को 2 मिनट मीडियम गैस पर ढक कर के कुक होने देंगे ताकि दाल में सारे मसाले जज्ब हो जाएं। दाल हम देख लेते हैं, दाल बन के तैयार हो गई है। दाल में हरा धनिया डाल के मिला देंगे। उड़द की दाल तैयार है। उड़द की स्वादिष्ट दाल तैयार है। उड़द की दाल को आप चपाती, नान या मिस्सी रोटी के साथ परोसिए। आप उड़द की दाल बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।